शुक्रवार को समाजवादी पार्टी यूजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फहद का सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव समेत कार्यकर्ताओं ने स्वागत पार्टी कार्यालय पर किया। मोहम्मद फहद को सीतापुर का प्रभारी व स्टार प्रचारक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बनाया है, जिसको लेकर वो अपने कार्यकर्ताओं से आज मिले व 2022 चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उनके साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यूजन सभा शोएब अहमद, अंकित त्रिवेदी, उमेंद्र वर्मा, समीर गाजी, जय सिंह यादव, मसूद आलम, जावेद अंसारी, शेखर यादव, राम बाबू गौतम सहित तमाम लोग मौजूद रहे। माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जो हम यहाँ के चुनाव के प्रभारी भी हैं और कल का उनका कार्यक्रम भी है, उन्होंने सब चुनाव की जो है व्यवस्था को देखने के लिए और चुनाव में अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए यहाँ पर हमारा आना हुआ है। और प्रथम दूसरे चरण के चुनाव के जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, हमें यकीन है कि सीतापुर की तमाम सीटें हम जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं और नौ की नौ सीटें जिता करके हम भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। क्या लगता है सरकार आ पाएगी? हाँ, यकीन पूरे प्रदेश की जनता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। प्रदेश की जनता के ऊपर जो जुल्म भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसका जवाब ये वोट की चोट से दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के दिन 10 मार्च के बाद ख़त्म है। समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे ही मुद्दे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में युवाओं को लैपटॉप देने का काम किया गया था। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, अब भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी पर कोई काम नहीं किया। महंगाई इतनी बढ़ गई है, लेकिन उनके जो मुद्दे हैं मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिशें हम की, लेकिन समाज ने, जनता ने उनको नकार दिया है। मुद्दों को लेकर के समाज वोट करने जा रहा है और समाजवादी पार्टी की सरकार बना। सीतापुर की जनता से क्या अपील है? मैं यही कहना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में हमारी मदद करें, हमारे हर एक प्रत्याशी को जिताने का काम करें, प्रदेश की बेहतरी के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए, महंगाई कम करने के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएं।